लोभ करते हैं हम सब करते हैं यशोदारे द्वारे आ और जब अलग की आवाज लगाई तो मां यशोदा भिक्षा ले बाहर आई और भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो ली भिक्षा जा जोगी आसन में रोला लटकायो ली भिक्षा निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो ली भिक्षा जब ही तेरी माला
भिक्षा लेन बाहर आई तो माँ यशोदा भिक्षा ले बाहर आई, शंकर भगवान जब देखे कि भिक्षा ले रही बोले कि माँ थारी अब भिक्षा नहीं चाहिए। ले भिक्षा निकली नंद रानी, कंचन थाल भरायो और ले भिक्षा जा जोगी आसन, मेरो लाल डराए बोले कि फटाफट ले और फटाफट जाओ, मारो कन्हैयो सो रहो है और थारो जो अगोरी जैसे रूप है इन्हें देख और मारो कन्हैयो डर गयो, तो फिर मैं कटे कटे ले घूमूंगा। बोले जोगी राजा जो भी है ले जाओ, और भी कुछ चाहिए तो बोल दो पर जाओ। माँ यशोदा बोली तो शंकर भगवान बड़े प्रेम से हाथ जोड़ते हुए कह दियो कि माँ यशोदा घबरा गई, बोले कि देख जोगी आसपास रही इतनी फूटरी गुजरिया आवे, मैं वाने को नहीं देखन दूर, तू कौन है? बोले जानो तो जान, एक तो पहरेदार बुलाओ। पर शंकर भगवान तो हट पकड़ ली, बोले माई तो नंद रानी है और थारे दरबार में थारे द्वारे आयोड़े जोगी ने खाली भेज देना तो दुनिया में थारो बोलो लागेला कि देखो यशोदा रे द्वारे पर जोगी आयो और जोगी ने खाली भेज दियो। बोले माँ अपने कन्हैया ने एक बार लिया, मैं कन्हैया ने देखने वास्ते आयो। माँ यशोदा डर गई, बोले कि कौन है, कैसा रूप है? बोले अगोरी जिद मत कर, तू जा अरे सोनो चांदी धनमाल जो भी चाहिए वो सब कुछ ले जा, पर मैं कन्हैयो आज दिखाऊं ना काल। बहुत देर हो गई और उसी समय सूरदास जी महाराज ने कहा, कल्पना है कि अंदर भगवान कृष्ण जो पालने में सो रहा था और उसी वक्त भगवान ने बहुत जोरदार रोने की आवाज सुनाई दी। माँ यशोदा डर गई, भागी भागी गई, कन्हैया ने अपने गोद में उठा लियो, लाड कियो हुलरायो, पर भगवान तो चुप नहीं रहा, तो झाड़ा कर बुलाया तो भी भगवान चुप नहीं रहा, तो चिंता हो गई कि कोई बीमार हो गया तो वेद जी ने बुलाया तो भी भगवान चुप नहीं रहा, और सारा जतन करने के बाद में माँ यशोदा बड़ी चिंता में हो गई कि आखिर में होयो कहीं। तभी शंकर भगवान बाहर खड़ा खड़ा फिर आवाज लगाई, बोले माई थारो बेटा ने चुप राखनो है तो एक बार बाहर लिया। और सारा जतन करने के बाद में माँ यशोदा के मन में आया कि शायद इतने उपाय कर लिए तो एक ये उपाय करके भी देख लेते हैं, आखिर में कुछ हो जाए। माँ यशोदा बड़े प्यार के साथ में भगवान ने अपनी गोदे में उठा और बाहर ले आए। और मित्रों सूरदास जी महाराज ने लिखा है कि जैसे ही भगवान बाहर आए और जैसे ही कृष्ण भगवान ने शंकर भगवान के उस अघोरी के रूप को देखा, उस रूप में कन्हैया ऐसे मग्न हो गए कि रोना भूल गए। भगवान शिव शंकर भगवान श्री कृष्ण के उस बाल रूप में ऐसे मग्न हो गए कि
कि दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे ब्रह्मांड स्थिर हो गया हो, सूर्य चंद्रमा अपना रास्ता भूल गए हो, पृथ्वी थम गई हो। और सूरदास जी महाराज ने अंत में लिखा, तीन लोक के करता धरता तेरी गोदी आया। ताली बजा दो एक बार। तीन लोक के करता धरता तेरी गोदी आया, सूरदास बलिहारी कन्हैया यशमती को खिलाया। तीन लोक का करता धरता तेरी गोदी आया, सूरदास बोले शिव शंकर भोलेनाथ।